नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और जैसा कि दोस्तों मैंने कल के वीडियो आपको बताया था कि एनआउस के द्वारा जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि कोर्स 501, 502 और 503 का जो भी रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें काफ़ी सारे यहाँ पर गड़बड़ी किया गया है। यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे शिक्षक के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर पब्लिश नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में आप सबों से पूछा था कि किनका किनका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, किनका रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है या फिर किनका रिजल्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो काफ़ी सारे शिक्षक के द्वारा यहाँ पे कमेंट्स भी किए गए थे, काफ़ी सारे शिक्षक ने ईमेल्स भी किए थे कि उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, उनका रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इस चीज़ को लेकर मैंने कमेंट्स को देखते हुए मैंने कुछ अधिकारी से यहाँ पर बात किया। तो अधिकारी का यहाँ पर कहना है कि जो भी रिजल्ट को लेकर जो ये मामला है, ये मामला एनआउस तक पहुँच चुका है। तो उन अधिकारी के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि 4 से 5 दिन में जिनका भी रिजल्ट एब्सेंट शो हो रहा है तो उनका रिजल्ट यहां पे अपडेट होके आ जाएगा। दोस्तों अगर यहां पे देखें तो काफी सारे शिक्षक वैसे हैं जिनके कि एक भी सब्जेक्ट का रिजल्ट शो नहीं हो रहा, यानी कि उनके तीनों में से तीनों सब्जेक्ट में एब्सेंट शो हो रहे हैं। तो जो भी उनके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं तीनों, तो थ्योरी में उनके एब्सेंट शो हो रहे हैं। और काफी सारे शिक्षक वैसे भी हैं जिनके कि दो सब्जेक्ट में एब्सेंट शो हो रहे हैं। और यहां पर देखें तो मैक्सिमम जो शिक्षक हैं जिनके कि एक सब्जेक्ट में एब्सेंट शो हो रहे हैं। तो जैसा कि आप सब ने यहां पर काफी सारे कमेंट्स किए थे उसमें अगर देखें तो 502 में काफी सारे शिक्षक हैं जिनके कि यहां पर एब्सेंट शो हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे कि काफ़ी सारे स्टडी सेंटर पे जो भी शिक्षक हैं तो उस स्टडी सेंटर के सभी शिक्षकों के यहाँ पे एब्सेंट शो हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को लेके घबराएं नहीं, अगर आपके रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है आपका रिजल्ट 4 से 5 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आपका पक्का यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया था कि अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आप या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है तो आप यहां पे ईमेल्स करें। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ईमेल आईडी जो यहां पे दिया गया है DLEDRES@nios.ac.in, तो इस पर आप ईमेल भी कर दें। वैसे अधिकारी के द्वारा ये बोला गया था कि 4 से 5 दिन में जितने भी शिक्षक हैं उनका ऑटोमेटिक यहाँ पे सभी का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका रिजल्ट अपडेट होकर आता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि यहाँ पे सभी शिक्षक को यह पता चल सके कि सभी का रिजल्ट यहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपके फिर भी रिजल्ट अपडेट होकर नहीं आते हैं तो आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप फेसबुक पर सर्च करेंगे MS Advisor 777 तो आपके पास इस तरह का कुछ यहाँ पे पेज खुला हुआ आ जाएगा। और इस पेज को आप लाइक भी कर लें और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट शो नहीं होता है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, फिर आपका वहाँ पे पूरा हेल्प किया जाएगा, आपके बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जहाँ तक हो सके आपका यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। और दोस्तों आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आपका यहाँ पर निश्चित रूप से आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं जिनका भी रिजल्ट यहाँ पे एबी शो हो रहा है, यानी कि एब्सेंट शो हो रहा है, तो उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि उनका रिजल्ट 4 से 5 दिन में अपडेट हो जाएगा, या फिर वो भी जो है यहाँ पे ईमेल करके एनआउस को ये बता सके कि उनका रिजल्ट एब्सेंट शो हो रहा है। और दोस्तों आगे यहाँ पे एनआउस से डीलेट को लेकर कोई भी अपडेट आते हैं तो आपको यहाँ पे इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो सब बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।